ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस चैप्टर में ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में बताया है जिन्हें फॉलो करके वो बहुत ज्यादा वेल्थ एक्वायर करना स्टार्ट कर पाए। स्टेप नंबर 1, फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन रियलिटी। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछोगे कि वो रिच एंड फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं कि नहीं, वो कहेंगे हाँ जरूर, पर रियलिटी में अमीर बनने तक का रास्ता बहुत लंबा है और बीच में काफी सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें आपको चढ़ के पार करना पड़ेगा। इसलिए इसी डर से ज्यादातर लोग सारी जिंदगी अमीर बनने का सोचते ही रह जाते हैं और पैसों के लिए काम करते हैं, क्योंकि असल में पैसे के लिए काम करना बहुत ज्यादा ईजी है पैसों को खुद के लिए काम पे लगाने से। और पैसों को खुद के लिए काम पे लगाने के लिए, मतलब अमीर बनने के लिए, ऑथर कहते हैं आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। ऑथर को जब भी कोई पूछता था वो अमीर क्यों बनना चाहते हैं, वो कहते थे इसके पीछे कुछ डीप इमोशनल रीजंस हैं जो तैयार हुए हैं क्या मैं चाहता हूँ और क्या मैं नहीं चाहता उसके कॉम्बिनेशन से। जैसे मैं सारी जिंदगी काम नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं चाहता जो मेरे पेरेंट्स और बाकी सारी सोसाइटी चाहती है, जॉब सिक्योरिटी और लोन का एक बड़ा घर। मैं एक एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, मैं अपने पोर डैड की तरह सारी जिंदगी हार्डवर्क करने के बाद मेजर पोर्शन गवर्नमेंट को देकर गरीबी में नहीं मरना चाहता, बल्कि मैं तो एक अमीर बनना चाहता हूँ जो हार्डवर्क करके बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा और फिर उसे अपने अगले जनरेशन में पास कर देगा। मैं फ्री बनना चाहता हूँ सारी दुनिया ट्रैवल करने के लिए, एक ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए जो मैं पसंद करता हूँ, और मैं ये सब यंग रहते हुए ही करना चाहता हूँ। मैं अपने समय को और अपने लाइफ को अपने मुताबिक कंट्रोल करना चाहता हूँ। ये है ऑथर के डीप इमोशनल रीजंस। आपके रीजंस क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके रीजंस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो अमीर बनने तक का रास्ता आपको बहुत मुश्किल लग सकता है। ऑथर ने काफ़ी बार अपने पैसे लॉस किए, उनके बिजनेस फेल हुए, पर उनके ये सब डीप इमोशनल रीजंस की वजह से ही वो बार बार खड़े हुए और आगे बढ़े एंड फाइनेंशियली फ्री भी हुए। उन्होंने अपने लाइफ से यही सीखा कि एक स्ट्रांग रीजन या पर्पस के बगैर लाइफ में कुछ भी हासिल करना बहुत हार्ड है। स्टेप नंबर 2, मेक डेली चॉइसेस। हर दिन हमारे पास चॉइस होती है कि हम फ्यूचर में या तो रिच, पोर या मिडिल क्लास बने। हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स हमें दर्शाती है कि हम कौन हैं। पोर लोगों के पोर स्पेंडिंग हैबिट्स होते हैं। दुनिया की 90% पॉपुलेशन सोचती है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल भरा काम है, इसलिए वो खुद से कहते हैं मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी यंग हूँ, जब मैं कुछ पैसे कमाऊंगा तब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। ये सब थिंकिंग लोगों को रोकती है उनके दो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट के बारे में अवेयर होने से जो ऑलरेडी उनके पास है, वो है टाइम जो सबसे कीमती एसेट है एंड लर्निंग। आपके पास पैसे नहीं है तो ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि इसलिए आप कुछ सीखोगे भी नहीं, पर यही चॉइस है जो अमीरों को गरीब लोगों से अलग करती है। रिच माइंडसेट के लोग अपने समय को अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट करना चूज करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है उनके पास कितना भी पैसा हो वो समय नहीं खरीद सकते। हाँ, वो अपने पैसों से दूसरों का टाइम खरीद सकते हैं, पर बीता हुआ वक्त वापस नहीं ला सकते। अभी आप कैसे अमीरों की तरह अपने समय को अच्छे चीज़ों के लिए चूज कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले अपने एडुकेशन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि रियलिटी में आपकी माइंड ही सिर्फ एक रियल एसेट है और सबसे पावरफुल टूल है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। लोग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं बजाय अपने लर्निंग में पहले इन्वेस्ट करें, और अपने खाली समय को टीवी देख के या मोबाइल में गेम खेल के काटने के बजाय बुक पढ़ो। और याद रखना, जो आप आज बनने का चूज करोगे फ्यूचर में आप वही बनोगे। अगर आप रिच बनने का चूज करोगे तो आप रिच बनोगे, और पोर बनने का चूज करोगे तो पोर। जैसे 90% लोग पोर बनने का चूज करते हैं इसलिए वो टीवी सेट खरीदते हैं, और 10% लोग रिच बनने का चूज करते हैं इसलिए वो बिजनेस बुक खरीदते हैं। अंकुर वारिकू जो नियर बाई के एक फाउंडर हैं, उनके घर में टीवी नहीं है, वो सिर्फ बुक पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली। अभी यह फ्रेंड्स केयरफुली चूज करने का ऑथर का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब लोगों से दोस्ती ना करो, सिर्फ अमीरों से करो, नहीं। ऑथर के ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, और ऐसे भी दोस्त हैं जो साल में मिलियंस कमाते हैं। मेन पॉइंट ये है कि ऑथर दोनों से ही सीखते हैं। अमीर दोस्तों से ऑथर मनी, बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, और वो लोग ऑथर से जानते हैं। ऑथर कभी भी उनके पैसे नहीं देखते कि उनके पास कितना पैसा है, वो उनके अंदर की नॉलेज ढूंढते हैं, वो उनसे सीखते हैं क्या उन्हें करना चाहिए अमीर बनने के लिए। और उनके गरीब दोस्त जो पैसों के सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही चीज़ें सीखना चाहते हैं और हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, ऑथर उनसे सीखते हैं क्या उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए अमीर बनने के लिए। स्टेप नंबर 4, मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन।
आप वही बन जाते हो जो आप पढ़ते हो। दूसरी तरह कहूँ तो उसके बारे में केयरफुल रहो जो आप पढ़ते और सीखते हो, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आप वही बन जाते हो जो आप अपने ब्रेन में घुसाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग के बारे में सीखोगे तो आप अच्छी कुकिंग करने लगोगे, पर अगर आप शेफ नहीं बनना चाहते तो आपको कुछ और सीखना चाहिए। एंड पैसों से रिलेटेड ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ सीखते हैं अपने स्कूल में, वो है वर्क फॉर मनी। इसलिए वो इस फॉर्मूला को ही फॉलो करते हैं, हर रोज़ सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बिल्स पूरे करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और फिर काम पे जाते हैं। और ये लोग ही अपना जॉब पसंद नहीं करते और हार्डवर्क के बावजूद ज़्यादा पैसे कमा भी नहीं पाते। यहाँ पर ऑथर अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब वो जेरोक्स कंपनी में काम करते थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान रहते थे। तब उन्होंने एक वीकेंड क्लास अटेंड करी रियल एस्टेट खरीदने के ऊपर, और ऑथर ने वहाँ जो सीखा उन्होंने उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया, मतलब एक्शन लिया। और 3 साल तक जब वो जेरोक्स कंपनी में काम करते रहे, उन्होंने अपने खाली समय में रियल एस्टेट खरीदने के स्किल को मास्टर किया, जिससे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। फिर वो दूसरे और फॉर्मूलाज ढूंढने लगे अपने स्टॉक्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो ऑथर इन सब से यही समझाना चाहते हैं कि आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्या आप जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि ज़्यादातर केस में जो आप ऑलरेडी जानते हो वो पुराना हो चुका है, इसलिए उतनी ही स्पीड से आपको नए चीज़ें सीखना पड़ेगा। और पैसों के लिए हार्डवर्क करना एक बहुत पुराना फॉर्मूला है जो इंडस्ट्रियल एज में चलता था, ये इन्फॉर्मेशन एज है। स्टेप नंबर 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो अमीर बनना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता कि आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट करे, कुछ मुनाफा कमाया, फिर सारे पैसे उड़ा दिए। आपको डिसिप्लिन के साथ हर बार पैसे खुद को पहले पे करना पड़ेगा, और खुद को पे करने का मतलब है अपने एसेट कॉलम में पहले इन्वेस्ट करना। ऑथर हमेशा खुद को पहले पे करते थे, चाहे किसी महीने उनके पास पैसे कितने भी कम हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑथर इरेस्पॉन्सिबल थे। वो अपने बिल्स सही तरीके से ही चुकाते थे, पर अपने एसेट से जनरेट होने वाले पैसों से, क्योंकि वो अपने पैसे गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। इसलिए ऑथर अपने पैसे सबसे पहले एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो एसेट्स उनके नहीं, उनके कॉरपोरेशन के नाम पे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसके लिए ज़्यादा टैक्स नहीं ले पाते। बाय द वे, ये हमने पहले ही चैप्टर 4 में अच्छे से डिस्कस किया था। स्टेप नंबर 6, पे योर ब्रोकर्स वेल। ज़्यादातर समय लोग क्या करते हैं, वो उनके स्टॉक ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की फीस कम से कम देने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। पर रिच डैड ने ऑथर को सिखाया था हमेशा अपने किसी भी ब्रोकर को अच्छे से पे करना, क्योंकि वो अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सर्विस आपको पैसे बना के देगी, और जितना ज़्यादा पैसे आप उनको दोगे उतना ही ज़्यादा पैसे आप बना पाओगे। हम अभी इन्फॉर्मेशन एज में हैं, इसलिए आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन प्राइसलेस है, और एक अच्छा ब्रोकर आपको मार्केट के ऐसे इन्फॉर्मेशन दे सकता है जिससे आप बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे बना सकते हो। एक अच्छा ब्रोकर आपका समय बचाता है, जो आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। स्टेप नंबर 7, बी एन इंडियन गिवर। इंडियन गिवर टर्म का मतलब है एक ऐसा इंसान जो किसी को कुछ देता है और बाद में उसे वापस भी ले लेता है, या तो कोई सेम चीज़ एक्सपेक्ट करता है रिटर्न में। और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको एक इंडियन गिवर बनना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। तो ऑथर कहीं भी इन्वेस्ट करते वो हमेशा कुछ फ्री में चाहते थे, जैसे कोई बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ कोई छोटा प्रॉपर्टी या स्टोरेज हाउस, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के साथ कुछ फ्री पेनी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। इंडियन गिवर टर्म की थ्योरी आप और अच्छे से समझ सकते हो द फाउंडर मूवी देख के, जहां आप जानोगे रे क्रूक जो मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी सिस्टम के फाउंडर है, वो हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचते थे, पर इसलिए नहीं कि उन्हें हैमबर्गर पसंद था, बल्कि उन्हें तो उस फ्रेंचाइजी का रियल एस्टेट चाहिए था फ्री में। स्टेप नंबर 8, यूज एसेट्स टू बाई लग्जरीज। एक बार ऑथर का एक दोस्त ऑथर से आकर कहता है कि उसका बेटा जो अभी सिर्फ 16 साल का है अपनी खुद की गाड़ी चाहता है, क्योंकि उसके सब दोस्तों के पास अपनी खुद की गाड़ी है। तो वो ऑथर को पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे को $3,000 की गाड़ी खरीद के देनी चाहिए, जो पैसे उसने उसके कॉलेज एजुकेशन के लिए रखे थे। ऑथर ने कहा, हाँ तुम उसे खरीद के दे सकते हो, पर इससे तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा लॉन्ग टर्म में, कि जब भी हमें कुछ खरीदने का मन हो तो सोचो मत, उसे खरीद लो, चाहे अपना सेविंग्स से क्यों ना तोड़ना पड़े और लोन ही क्यों ना लेना पड़े। ये सुनकर उनका दोस्त वहाँ से चला गया। फिर 2 महीने बाद ऑथर उस दोस्त के घर गए और उससे पूछा कि क्या तुमने अपने बेटे को गाड़ी खरीद के दी। उनके दोस्त बोले, हाँ मैंने उसे $3,000 दिए। ऑथर ने बोला, वाह तुम बहुत अच्छे हो।
उसके दोस्त ने बोला, हाँ पर मैंने उसे एक कंडीशन में पैसे दिए। असल में हमने तुम्हारा कैश फ्लो गेम खेला और फिर मुझे पैसों के बारे में समझ आया, इसलिए मैंने उसे $3,000 दिए और स्टॉक मार्केट में एंट्री करा दी और कहा जब तक तुम इस $3,000 को $6,000 नहीं बना देते तुम इससे गाड़ी नहीं खरीद सकते। ऑथर ये सुनकर बहुत क्यूरियस होकर पूछे कि क्या वो पैसे बना पाया। उनके दोस्त ने कहा, हाँ पहले उसने कुछ पैसे बनाए फिर सब पैसे डुबा दिए, पर मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि अब वो मनी मेकिंग गेम समझ चुका है। वो समझ चुका है कि अगर वो अपने पैसे से पैसे बनाकर उस पैसे से अपने शौक पूरे करेगा तो उसके शौक पूरे होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पर इससे उसका मेन कैपिटल हमेशा उसके पास रहेगा जिससे वो आगे भी और भी ज़्यादा पैसे बना सकता है। ऑथर कहते हैं, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी आपको कोई लग्जरी खरीदने का मन हो तो डायरेक्ट लोन लेकर या अपने सेविंग्स के पैसों से डायरेक्ट उसे मत खरीद लो। पहले उस पैसे से एक एसेट बनाओ और फिर उस एसेट से जनरेट होने वाले इनकम से अपने शौक पूरे करो। स्टेप नंबर 9, चूज हीरोज। जब ऑथर छोटे थे उनके कुछ फेवरेट बेसबॉल प्लेयर थे जैसे विली मेज, हैंक एरॉन, योगी बेरा। इन्हें वो बचपन में अपना हीरो मानते थे और जब भी ऑथर बेसबॉल खेलने जाते थे वो खुद को उनकी तरह मानकर खेलते थे, इससे वो और भी अच्छा खेल पाते थे। और ऑथर के मुताबिक ये सबसे पावरफुल तरीका है कोई चीज़ सीखने का जो हम बड़े होने के साथ और फॉलो नहीं करते। हमें अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए, उन्हें अपना हीरो मानना चाहिए क्योंकि हीरोज हमें सिर्फ इंस्पायर नहीं करते, हीरोज चीज़ें दिखने में आसान कर देते हैं और जब हमें कोई चीज़ आसान लगती है तब हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं और सोचते हैं अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। स्टेप नंबर 10, टीच एंड यू शैल रिसीव। आप जो चीज़ चाहते हो पहले वो दूसरों को दो और वो आपको जरूर मिलेगा। रिच डैड यही हमेशा कहते थे ऑथर को। रिच डैड को जब लगता था उन्हें और ज़्यादा पैसे चाहिए वो अपने चैरिटीज़ में पैसे देते थे एंड ऑथर भी यही फॉलो करते थे। जब भी ऑथर को लगता था कोई उनसे हंसकर नहीं बात कर रहा तब वो पहले दूसरों के साथ हंसकर बात करते थे और सडनली मैजिक की तरह वो ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जाते थे जो उनसे खुद से हंसकर बात करने आते थे। ये 10 स्टेप्स ऑथर को हेल्प किए थे उनके अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए और इन स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स आप भी फॉलो कर सकते हो या आप अपने अकॉर्डिंग कोई स्टेप बना सकते हो अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक हम सब के अंदर ही एक फाइनेंशियल जीनियस है पर वो बाहर नहीं आ पा रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी की वजह से जो हमें सिर्फ सिखाती है पैसे के लिए काम करना। तो ठीक है, आई होप आपने रिच डैड पॉवर डैड की पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो यह आई बटन में क्लिक करके देखो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते रिच डैड पॉवर डैड के एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।